Hello everyone, welcome to our YouTube channel, My View My Channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment, visit our website www.teachingpoint.org.in. हेलो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023। इसमें हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द एल्कली मेटल्स, जिसमें ऑप्शन ए है हमारा, स्टेटमेंट ए है द ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल M+/M फॉर एल्कली मेटल आयन इज सोडियम रुबीडियम एंड लिथियम। वहीं जो इसका सेकंड स्टेटमेंट है सीशियम आयन इज हाईली सोलेबल इन वाटर। जो तीसरी स्टेटमेंट है वो है लिथियम कार्बोनेट इज हाईली स्टेबल टू हीट। चौथी स्टेटमेंट है पोटेशियम डिजोल्व इन कंसेंट्रेटेड लिक्विड अमोनिया इज ब्लू इन कलर एंड पैरामैग्नेटिक। ई है ऑल द एल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड्स। इसमें हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर चूज करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमें गिवन दे रखे हैं ऑप्शन ए 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर है? तो ये जेई मेंस का हमारा क्वेश्चन है 24 जनवरी का। तो अब हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि भी हमारा जो ऑप्शन है कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं स्टेटमेंट नंबर वन। स्टेटमेंट नंबर वन में अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो लिथियम है उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है -3.237। जो सोडियम है उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है -2.89। और जो रुबीडियम है इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है -3079। तो इसका मतलब नेगेटिव में अगर हम वैल्यू देखें तो जो लिथियम की जो वैल्यू है वो है -3.237। इसका मतलब नेगेटिव में अगर हम बात कर रहे हैं तो लिथियम की वैल्यू सबसे ज़्यादा है नेगेटिव में, दैट इज -3.237। फिर रुबीडियम की है और सबसे कम किसकी है, सोडियम की। बट अगर हम ये नेगेटिव साइन कंसीडर ना करें, ठीक है ना, मतलब नेगेटिव साइन तो कंसीडर कर रहे हैं बट नेगेटिव में जो वैल्यू सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी मानी जाती है और जो सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी मानी जाती है। तो अगर हम इस तरह से कंसिडरेशन करें तो हमें पता है कि सोडियम की वैल्यू ज़्यादा है देन रुबीडियम की एंड देन लिथियम की। इसका मतलब हमारा जो ए पार्ट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, कि भाई नेगेटिव में जो वैल्यू ज़्यादा होती है वो क्या होती है, स्मॉल, और जो नेगेटिव में स्मॉल वैल्यू होती है वो क्या होती है, लार्ज। ठीक है, वो लार्ज वैल्यू होगी। क्लियर है? अब इसमें बी पार्ट, बी स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि जो आपका सीशियम आयोडाइड है इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। भाई ये इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो लो होती है बिकॉज लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया है लिथियम कार्बोनेट इज हाईली स्टेबल टू हीट, पर आपको पता है हीट करने पर ये अनस्टेबल हो जाता है। तो इसका मतलब सी भी स्टेटमेंट गलत है। डी में बोला गया है कि भाई पोटाशियम डिजोल्व इन कंसनट्रेटेड लिक्विड अमोनिया इज ब्लू इन कलर एंड पैरामैग्नेटिक। भाई आपको पता है कि भाई पोटाशियम, जब पोटाशियम क्या कोई भी एल्कली मेटल को जब आप अमोनिया में ऐड करोगे तो वहाँ पे आपको पता है X+Y हम लेते हैं, तो यहाँ पे आपको पता है मेटल आयन बनते हैं और अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से कलर क्या होता है, ब्लू होता है। तो बच्चों को यहाँ पे ये लग रहा था कि भी ये आंसर, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड दिया है, जब सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता है तो ये ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन में, और ब्रॉन्ज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, ब्रॉन्ज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ब्राउन कलर का सब्सटेंस यहाँ पे बन जाता है। क्लियर है?
अब ब्राउन कलर का सब्सटेंस बन जाता है, तो और वो क्या हो जाता है, इट अगेन विल बिकम डायमैग्नेटिक, इट विल नॉट रिमेन पैरामैग्नेटिक, इट इज डायमैग्नेटिक, ठीक है ना। तो इसका मतलब स्टेटमेंट डी भी गलत है। अब बची स्टेटमेंट ई, उसमें लिखा ऑल द एल्कली मेटल्स हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड, तो ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब अगर हम इन चारों स्टेटमेंट में से देखें, तो स्टेटमेंट ए ठीक है और स्टेटमेंट ई ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आंसर नंबर 4 रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023 का सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज अजर्शन दैट इज ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन दैट इज आर। अजर्शन ए, बेरिलियम हैज लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर टू अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो भी यहाँ पे बोला गया कि जो बेरिलियम की जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या होती है, लो होती है। तो ये बिल्कुल सही बोला गया है, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है बेरिलियम की वो क्या होती है, लो होती है। ये बिल्कुल रीजन क्या है, एजर्शन क्या है, बिल्कुल सही बोला है, ठीक है। अब इसका जो लो होने का रीजन क्या है, यहाँ पे जो रीजन दिया है वो बिल्कुल सही दिया है कि जो बेरिलियम होता है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, लार्ज होती है। रीजन क्योंकि तो आपको पता है पूरे ग्रुप के अंदर जो बेरिलियम है उसका साइज क्या होता है, स्मॉल, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा, और जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है ये भी बहुत ज्यादा होती है। तो आपको पता है कि वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है, ठीक है, ई नॉट की, वो तो किस पे डिपेंड करती है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पे और एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन पे। अब ये दो वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, लेस होगी, इट विल बी इट हैविंग लेस वैल्यू, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई, इसमें हमने देखा अजर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हम देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा, भाई ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट रहेगा, दैट इज बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे होंगे सेक्शन ए, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं, 24 जनवरी 2023 क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी स्टेटमेंट देखिए ध्यान से, अ स्टूडेंट हैज स्टडीड द डिकम्पोजिशन ऑफ अ गैस Ab3 एट 25 डिग्री सेल्सियस, ही ऑब्टेन द फॉलोइंग डाटा। उसने ये डाटा ऑब्टेन किया हुआ है यहाँ पे, क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो प्रेशर है, ठीक है, वो किसके बराबर है, प्रेशर MmHg में दे रखा है, 50, 100 और 200 और 400 दे रखा है। जो रिलेटिव T½ दे रखा है वो 4 सेकेंड दे रखा है, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड एंड 0.5 सेकेंड हमें गिवन है। हमें फाइंड आउट करना ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑप्शन दे रखा है 1, 0 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 1 हो सकता है या 4 हो सकता है, ये 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। भाई यहाँ पे हमें ऑर्डर नहीं पता रिएक्शन का, तो भाई जब हमें n ऑर्डर के लिए यहाँ पे क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो जो T½ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, ठीक है। और अगर मैं वो ऑर्डर नहीं पता तो ऊपर क्या लिखते हैं हम, 1 - n लिखते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन तो गिवन नहीं है, यहाँ पे क्या गिवन है, प्रेशर। तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि भाई जो कंसंट्रेशन की जगह हम क्या लेंगे, प्रेशर, और किन्हीं भी दो इक्वेशन को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो पहली दो इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, T½ 1 ले रहा हूँ और T½ 2 ले रहा हूँ। इसको मैंने 1 कंसीडर करा, इसको कंसीडर किया 2, ये किसके बराबर होगा, दैट इज प्रेशर लूंगा यहाँ पे, दैट इज प्रेशर 1 1 - n और प्रेशर 2 1 - n, क्लियर है। अब हम वैल्यू पुट करें, जो T½ दे रखा है 1
वो दे रखा है 4 सेकेंड, और टी हाफ टू जो दे रखा है वो है 2 सेकेंड दिया है। पी वन की वैल्यू दे रखी है 50 और पी टू की वैल्यू दे रखी है 100, दोनों पे पावर कॉमन है तो मैंने 1 माइनस n लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 50 1 ज़ा 50, 52 ज़ा 100। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, तो वैल्यू आ गई 2 इज़ इक्वल टू 1 बाय 2 1 माइनस n। अब मैं इसको इन्वर्स कर दूं तो ये हो जाएगा 2 इज़ इक्वल टू 2 की पावर, जो पीछे n था वो आगे आ जाएगा, जो 1 आगे था वो माइनस में पीछे चला जाएगा। अब देखो दोनों की पावर क्या है, 1, जब बेस सेम है तो हम क्या करते हैं, n माइनस 1 किसके बराबर आ गया, 1, तो n किसके बराबर होगा, 1 प्लस 1, दैट इज n की वैल्यू आएगी 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है, दैट इज 2। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? भाई नाउ सेक्शन ए क्वेश्चन जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023। भाई क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, K2Cr2O7 पेपर, हमने K2Cr2A7 का एक पेपर लिया है, K2Cr2O7 का, और उसे एसिडिफाइड करा है विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इट टर्न्स ग्रीन व्हेन एक्सपोज टू। तो ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो होता क्या है कि जब हम K2Cr2O7 में, दैट इज Cr2O7 2- की रिएक्शन किससे कराएंगे, एसिडिक मीडियम में सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे, तो होता क्या है कि जो हमारा Cr2O7 2- है, इट गेट रिड्यूस्ड इनटू Cr3+, एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज इनटू SO4 2- प्लस H2O। यहाँ पे जो ओवरऑल रिएक्शन होती है उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे ट्वाइस ऑफ H+ यूज होगा और थ्राइस ऑफ SO2, थ्राइस ऑफ SO4 2- और ट्वाइस ऑफ Cr3+। इसको हम बैलेंस कर सकते हैं पूरी रिएक्शन को बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बट हमें बैलेंसिंग पे नहीं जाना है, हमें यहाँ पे क्या देखना है कि जो Cr3+ का कलर जो होता है, यहाँ पे कलर आता है ग्रीन, क्या आता है, ग्रीन आता है। इस ग्रीन कलर की, यही ग्रीन कलर हमें यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड ही एक ऐसी गैस है जो K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, ग्रीन कलर बनाएगी। क्लियर है, इज दैट पॉइंट क्लियर, इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच विल अंडरगो डीप्रोटीनेशन मोस्ट रैपिडली इन बेसिक मीडियम। तो आपको पता है भाई डीप्रोटीनेशन जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे डीप्रोटीनेशन में कौन सा इफेक्ट चलेगा, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो अगर हम रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करें, कार्बोनिल कार्बन है, यहाँ पे -R और -M इफेक्ट लगेगा, ये दोनों सेम होता है, सभी को पता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें -R इफेक्ट की, तो जिस भी ग्रुप के पास मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है उसका रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू जिस भी किसी स्पीशीज के पास मिथाइल एस्टर ग्रुप होगा। तो इन दोनों में से मिथाइल कीटोन का -R इफेक्ट ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों पे मिथाइल कीटोन ग्रुप आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रोंग है, ये स्ट्रोंग है। वहीं पे अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें मिथाइल एस्टर ग्रुप आ रहे हैं 2, तो रिलेटिवली क्या है, वीक। अब भाई अगर हम बात करें, इसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप भी आ रहा है, मिथाइल एस्टर ग्रुप भी आ रहा है, तो रिलेटिवली क्या है, मॉडरेट है। ठीक है,
तो इसका मतलब जो रिएक्टिविटी सीक्वेंस होगा सबसे ज्यादा ए, फिर सी और सबसे कम बी होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन पूछा गया है कि भाई कौन सा इसमें अप्रोप्रिएट है, तो हम ऑप्शन टू को देख रहे हैं कि भाई ये जो रिएक्शन है, ठीक है, डीप्रोटोनेशन दैट विल बी टेक्स प्लेस मोर रैपिडली इन केस ऑफ ऑप्शन ए ओनली, दैट इज ए जो स्पीशीज हमारे को दी गई है। इज दैट पॉइंट क्लियर? इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सेक्शन ए जे मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे पास, द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोबाल्ट आयन इन CONS3+ कॉम्प्लेक्स रिस्पेक्टिवली इज D2SP3 एंड पैरामैग्नेटिक, दिस इज द ऑप्शन ए, SP3D2 एंड डायमैग्नेटिक, इट्स ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री इज D2SP3 एंड डायमैग्नेटिक, ऑप्शन फोर इज SP3D2 एंड पैरा मैग्नेटिक। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कोबाल्ट एटॉमिक नंबर कितना है, 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन रहेगी इसकी आर्गन 18, 3D7, 4S2, क्लियर है। हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, क्या चार्ज आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोबाल्ट को मान लेंगे एक्स और NS3 को मान लिया जीरो, कितने NS3 है, सिक्स, ऊपर चार्ज कितना है, +3, तो +3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, +3 आ जाएगी, क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट ऑफ कोबाल्ट मेंशन करेंगे, जहाँ पे हमने लिखा कि भाई पांच इसके पास, एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच, पांच 3D ऑर्बिटल है, एक 4S है और तीन 4P है, 4S 4P, ठीक है। कोबाल्ट का एटॉमिक जो आपका कोबाल्ट में देख रहे हैं, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, सात, और एस में टू है। तो पहले हम इसकी ग्राउंड स्टेट फिल करेंगे, डी में 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। अब CO को हम क्या कर रहे हैं, CO3+ में लेके जा रहे हैं। तो जब हम CO3+ में लेके जाएंगे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होता है वो इजेक्ट होता है फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल से। तो पहले एस में से कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दो, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे एस में से और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ये डी में से। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट आ जाएगी, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए और एक इलेक्ट्रॉन 3D में से गया है। जब कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होगा CONH3 की होल 6 3+, तो क्या होगा, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं ये जंप कर जाएंगे पीछे वाले डी ऑर्बिटल में। रीजन क्या है, क्योंकि तो अमोनिया जो है इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो अल्टीमेटली हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, देखिए कि जो पांच डी ऑर्बिटल है हमारे पास, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एस खाली रहेगा और पी। तो इसका मतलब जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो दो डी के ऑर्बिटल, एक एस का ऑर्बिटल और तीन पी के, तो टोटल मिला के जो हाइब्रिडाइजेशन होगी D2SP3 आएगी। और ऑब्जर्वेशन क्या है कि यहाँ पे जो तीनों डी ऑर्बिटल हैं इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। तो पेयर्ड है तो इसका मतलब डायमैग्नेटिक होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन D2SP3 और पेयरिंग है तो क्या है, डायमैग्नेटिक। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है वो है सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स हैं, पहली स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 गिवन है,
स्टेटमेंट वन में दिया हुआ है कि ये जो कंपाउंड गिवन है अंडर केल्विनसन रिडक्शन गिव्स दिस कंपाउंड विच इज कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और जो स्टेटमेंट टू है उसमें दे रखा है कि एक क्लोरीन और कार्बोनिल कार्बन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़े हुए हैं। अंडर वुल्फ किशनर रिडक्शन कंडीशन इट विल गिव्स दिस प्रोडक्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर हम देखें स्टेटमेंट में, तो स्टेटमेंट वन में हम ऑब्जर्व करेंगे केल्विनसन रिडक्शन में जो ये कार्बोनिल कार्बन है ये रिड्यूस हो जाएगा और ये अमीन ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। बट जब स्टेटमेंट टू की अगर हम बात कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट नंबर टू में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब हम वुल्फ किशनर का रिएजेंट ऐड करेंगे तो यहाँ पे रिडक्शन के साथ साथ ये क्लोरीन भी इलिमिनेट होगा और यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा बल्कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा ये एक एल्कीन, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन के साथ साथ इलिमिनेशन रिएक्शन भी होगी। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट वन है वो ट्रू है और जो स्टेटमेंट टू है वो क्या है, फॉल्स है। तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, तो ये हमारा ऑप्शन सी है जो हमारा राइट आंसर होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इसमें जो हमें ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैन बी एक्सप्लेन बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो भाई आपको याद होगा कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालते हैं फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, और उसी के बेसिस पे हम बताते हैं कि जो गिवन लीगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या फिर वीक फील्ड है। तो ये सिर्फ ये बताता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है या फिर वीक फील्ड लीगेंड है, ऑर्डर के बारे में कहीं पर भी नहीं एक्सप्लेनेशन है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ही हमारा रॉन्ग है। दूसरा अगर आप देखें स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, तो भाई स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है किससे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ये भी पॉइंट बिल्कुल ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में जाना जाता है। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कलर ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस भी इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इसका मतलब इन चारों पॉइंट्स में से जो पॉइंट नंबर वन है कि ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सो हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन वन होगा, दैट इज अ राइट आंसर। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? बी सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, द नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन आयन विद 55 प्रोटॉन इन इट्स यूनिपॉजिटिव स्टेट इज। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 55 प्रोटॉन मतलब यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है, दैट एटॉमिक नंबर इज 55। एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना है कि जो सीशियम है उसका सिंबल है CS, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 55। CS को CS+ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सीशियम की। तो सीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम हमें ध्यान देना है कि भाई एस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ठीक है ना। उसके बाद 4p6, 5s2, 4d10 और 5p6, एक बार काउंट कर लो, 2p6,
और 2, 4 और 6 10, 10 20, 30 40, 48 54, और इसके बाद आएगा 6s1। तो भाई जो ये सीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें से 6s इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट हो जाएगा, ये तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि तो सीशियम आयन कन्वर्ट हो रहा है। तो बाकी s इलेक्ट्रॉन बचेंगे कौन कौन से, 1s के, दो दो 2s के, दो 3s के, दो 4s के, और लास्ट 2 5s के। तो कितना हो गया, 2 2 2 2 2, 2 × 5 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, इट विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है, इज दैट पॉइंट क्लियर? तो भाई 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, इज दैट पॉइंट क्लियर? भाई नेक्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं, सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023, क्वेश्चन नंबर 10 है। विच वन अमोंग्स द फॉलोइंग इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो अगर हम गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, तो हम यहाँ पे चार हमें आयंस दिए हैं, समेरियम, सीरियम, सीरियम 4+ और टर्बियम 4+। तो हमें एक बात याद रखना है कि गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो रिड्यूस्ड होगा वही क्या होगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो अब आपको पता है कि भाई जो ये सारे के सारे आयन्स हैं, दीज आर बिलोंग्स टू द लेंथेनाइट सीरीज, और लेंथेनाइट सीरीज से बिलोंग करने के लिए जो लेंथेनाइट सीरीज की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। तो समेरियम को क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा Sm3+ में कन्वर्ट होने के लिए, इट शुड लॉस 1 इलेक्ट्रॉन। अगेन Ce2+ विल बी गेट कन्वर्टेड ऑन Ce3+ बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। Ce4+ विल चेंज इन टू Ce3+ बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सिमिलरली Tb4+ बाय गेनिंग इन 1 इलेक्ट्रॉन विल चेंज इन टू Ce3+। तो हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं कि जो सी और डी के केस में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो अगर रिडक्शन हो रहा है तो इट इज बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इट इज बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो भी यहाँ पे पूछा गया कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा, तो अप्रोप्रिएट कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि सी एंड डी आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। क्लियर है? सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023 का पेपर है। 11वां क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चूज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब टाइट्रेशन के दौरान हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा बेंजोइक एसिड, जो एक वीक एसिड है, इसकी रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से करी जाएगी विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों के बीच में एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, और अल्टीमेटली यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो होगा C6H5COONa बाय द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है ना, अब होगा क्या कि जो हमारा बेंजोइक एसिड है वो क्या है, वीक एसिड है, और इसको टाइट्रेट किया जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगेंस्ट। तो बिगिनिंग में क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगी, स्लोली स्लोली इंक्रीज करेगी।
और जैसे ही इक्विलेंट पॉइंट आएगा, ये हमारा क्या है इक्विलेंट पॉइंट, इस इक्विलेंट पॉइंट पे आते के साथ जो कंडक्टिविटी है वो रैपिडली क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इससे हमें पता चलेगा कि जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ग्राफ नंबर वन है वो क्या है, बहुत ही सूटेबल है। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023, क्वेश्चन नंबर 12 मैच लिस्ट फर्स्ट एंड विद लिस्ट सेकंड। तो हमें लिस्ट वन और लिस्ट टू दो दे रखे हैं, जिसमें हमें टाइप ऑफ ड्रग दे रखी है और उनके नेम दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इनको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहली बात है कि हमें इनको मैच करना है। इनके लिए हमें क्या दे रखे हैं, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4, ये ऑप्शंस दे रखे हैं। तो भी सबसे पहले हमें क्या देखना है कि भाई एंटीबायोटिक तो सभी को पता है, एंटीबायोटिक कौन सी होगी। तो एंटीबायोटिक जो हमें यहाँ पे दे रखे हैं वो एम्पिसिलिन दे रखे हैं। तो मतलब डी का जो है, डी के साथ जो नेम सही आ रहा है वो फोर्थ आ रहा है। तो ऑप्शन चूज करो, डी के साथ फोर्थ, डी के साथ फोर्थ, डी के साथ फोर्थ। तो ये तीन ऑप्शन हमारे क्या आ रहे हैं, राइट आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा एंटी फर्टिलिटी ड्रग जो है वो है हमारी नॉरथियोड्रॉन। जो नॉरथियोड्रॉन है ये हमारी क्या, एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। अब नॉरथियोड्रॉन अगर हमारी एंटी फर्टिलिटी ड्रग है तो इसका मतलब ए के साथ क्या आना है, जी वन। तो ए के साथ वन कौन सा आ रहा है, ये और ये। तो मतलब ऑप्शन वन और थ्री में से हमारा सही कौन सा होगा। अगर हम यहाँ पे देखें ना तो जो एंटी हिस्टामिन है वो सेलेडेन ही है। सेलेडेन क्या है हमारी, एंटी हिस्टामिन। तो मतलब क्या है, सी थर्ड। तो इसका मतलब हम देख पा रहे हैं कि सी थर्ड के साथ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर थ्री ही हमारा राइट होगा। इसमें सारे के सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही सीक्वेंस से ही दे रखे हैं, बच्चे इसको चेंज करने के चक्कर में क्वेश्चन को गलत करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने क्या दे रखा है, सेम सीक्वेंस ही दे रखे हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखें, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि हम ये सोचते हैं कि नहीं इनमें कोई ना कोई चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या है एज इट इज आया हुआ। सेक्शन ए जे मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023, क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। जहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा एल्कीन है, इस एल्कीन की रिएक्शन हम कैसे करा रहे हैं, एच जी ओ ए सी की होल ट्वाइस H2O NaBH4 कंपाउंड बी मिल रहा है। वहीं पे इसकी रिएक्शन BH3 PHF H2O2 और OH- से कर रहे हैं, तो कंपाउंड ए यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। क्लियर है, तो अब हम क्या करें, सबसे पहले इनको रिएक्शंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बच्चों को जनरली बॉन्ड लाइन में दिक्कत आती है, तो इसको हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, कंडेंस फॉर्म में इसको लिख दिया बॉन्ड लाइन से। तो ये हमारा CH2 हो गया, ये हो गया हमारा C डबल बॉन्ड CH2 और CH3। इस कंपाउंड का नाम है यहाँ पे 2-methyl-but-1-ene नाम है। इसकी सबसे पहले हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, दैट इज BH3-THF फॉलोड बाय H2O2-OH-। तो आपको पता है जब हम ये रिएजेंट डालते हैं तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ऑफ सूल फॉलो होगा, तो डबल बॉन्ड में जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है OH वहाँ पे आते अटैच होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 C CH3 C H2 और OH, जिसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनेगा 1 2 3 4 और ये OH ये बनेगा। तो अगर हम ये देखें, ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑप्शन नंबर 1 और 2 में ए के स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 और 4 में ये स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए। सिमिलरली जब हम रिएक्शन
सेकंड रिएजेंट से कराएंगे और प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे। तो देखिए ऑब्टेन क्या होगा, प्रोडक्ट कैसे, एच जी ओ ए सी की होल ट्वाइस एच टू ओ एन ए बी एच फोर, क्लियर है। अब हम कैसे करेंगे यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे जब हम ये रिएजेंट यूज करेंगे तो मार्कोनिकॉफ्स एडिशन होगा, और मार्कोनिकॉफ्स एडिशन के हिसाब से जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा सी एस थ्री सी एच टू सी सी एच थ्री, यहाँ पे आएगा ओ एच और यहाँ बनेगा सी एच थ्री, जिसका हम अगर बॉन्ड लाइन बनाना चाहें तो बॉन्ड लाइन बनेगा 1 2 3 4 और यहाँ पे ओ एच। तो ये हमारा है बी, प्रोडक्ट बी। तो अगर हम प्रोडक्ट बी को देखें तो जो सेकंड ऑप्शन है उसमें प्रोडक्ट बी इसके आइडेंटिकल आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट ऑप्शन होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर। सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे गिवन है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज अजर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। अजर्शन इज, सबसे पहले अजर्शन स्टेटमेंट को हम यहाँ पे देख रहे हैं, बेंजीन इज मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्स ट्राइन। तो इसमें बोला गया भी बेंजीन मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू साइक्लोहेक्स ट्राइन, ये जो हमने हाइपोथेटिकली सोचा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है कि बेंजीन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है एज पर कैकल्स, ठीक है। रीजन इसका दे रखा है द डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अट्रैक्टेड मोर स्ट्रॉन्गली बाय द न्यूक्लियस ऑफ द कार्बन एटम। तो यही एक्सप्लेनेशन दी थी किसने, कैकल ने भी। तो इसका मतलब बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, एजर्शन का। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर वन हमारा राइट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोथ एजर्शन एंड रीजन दोनों ही राइट हैं, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का, ठीक है। इज दैट पॉइंट क्लियर। सेक्शन ए जे मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द हाइड्रोजन परऑक्साइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्या एक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑप्शन नंबर वन अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो H2O2 है यहाँ पे हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। देखो H2O2 यहाँ पे O को हमने माना X, दो O है 2X, हाइड्रोजन की +1 होती है वैल्यू, और कितने हाइड्रोजन है, दो, कोई चार्ज नहीं है, 0। तो 2X+2 = 0, X की वैल्यू क्या हो रही है, -1 आई है। तो यहाँ पे इसका मतलब H2O2 में ऑक्सीजन की वैल्यू -1 है। वहीं H2O में अगर हम निकालें तो H2O में होता है H2O, X माना ऑक्सीजन को, दो हाइड्रोजन है +1 × 2 = 0, तो X की वैल्यू आ गई -2। तो H2O2 में माइनस H2O में वैल्यू क्या है, -2। तो H2O2 में -1 ऑक्सीजन की और H2O में -2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर ये रिडक्शन हो रहा है तो ये कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऑक्सीजन की वैल्यू -1, OH- में हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन को एक्स माना, हाइड्रोजन को +1 और चार्ज कितना है, -1। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, दैट इज -2 आएगी। तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ रही है, -2। तो यहाँ पे -1 से -2 जा रहे हैं, तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब ये कैसे बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे आपको दिख रहा है -1 -2, रिडक्शन हो रहा है और इट इज बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
बट इस केस में हम क्या देख रहे हैं, तो H2O2 में ऑक्सीजन की वैल्यू -2 है और ये O2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसकी यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ऑक्सीजन की, ऑक्सीडेशन स्टेट वो 0 है, तो -1 से 0 जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये कैसे बिहेव करेगा, एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा राइट होगा, जहां पर हाइड्रोजन परऑक्साइड एक्ट कर रहा है एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023 क्वेश्चन नंबर 16। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट वन में दे रखा है प्योर एनिलीन एंड अदर अराइल अमीन आर यूजुअली कलरलेस, तो भाई ये बिल्कुल सही है कि ज्यादातर जो प्योर एनिलीन है और अदर अराइल अमीन है वो यूजुअली कलरलेस होते हैं, तो ये स्टेटमेंट 1 ठीक है। बट अगर हम स्टेटमेंट 2 देखें तो उसमें क्या बोल रहे हैं, अराइल अमीन गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिडक्शन, तो भाई ये तो पॉइंट बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि एटमोस्फेरिक रिडक्शन अराइल अमीन में नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 ठीक है और स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है, तो ऑप्शन चूज करते हैं कि जहां पर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन 1 में क्या दे रखा है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ये तो बिल्कुल ही गलत है ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये भी गलत है। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो ये हमारे क्वेश्चन से मैच करती है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, राइट होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023 क्वेश्चन नंबर 17। करेक्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट 1 है, एन एवरेज ह्यूमन बीइंग कंज्यूम्स नियरली 15 टाइम्स मोर एयर देन फूड। सेकेंड ऑप्शन है, एन एवरेज ह्यूमन बीइंग कंज्यूम्स 100 टाइम्स मोर एयर देन फूड। थर्ड ऑप्शन है, एन एवरेज ह्यूमन बीइंग कंज्यूम इक्वल अमाउंट ऑफ फूड एंड एयर। और ऑप्शन नंबर 4 है, एन एवरेज ह्यूमन बीइंग कंज्यूम मोर फूड देन एयर। तो भाई ऑप्शन नंबर 4 तो कभी भी नहीं हो सकता, जहां पे लिखा हुआ है कि भाई कोई भी पर्सन एयर से ज्यादा फूड कंज्यूम कर रहा है, क्लियर है। तो अगर हम बात करें तो नॉर्मल स्टडीज से ये पता चला है कि भाई जो एवरेज ह्यूमन होता है ना वो 12 to 15 times मोर एयर कंज्यूम करता है देन दैट ऑफ द फूड, जितना वो फूड खाता है उससे 12 से 15 times ज्यादा वो क्या लेता है, एयर भी कंज्यूम करता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? इज दैट पॉइंट क्लियर? सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी का पेपर है 2023। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। स्पीशीज दे रखी है N2, N2+, O2, O2+, ठीक है। तो भाई आपको पता है, क्या कहते हैं, आपने पढ़ा होगा इस चीज की, N2 के केस में सबसे पहले अगर हम P सब शेल की बात करें तो पहले क्या होता है, पाई 2P X, पाई 2P Y, फिर आता है सिग्मा 2P Z, फिर आता है पाई 2P X एंटी बॉन्डिंग, पाई 2P Y एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा 2P Z एंटी बॉन्डिंग। ये तीन हमारे पास, ये छह हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं जिसमें से 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग। जब हम शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं तो हम लिखते हैं बी 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 ए ए ए, तो ये 3 हमने बॉन्डिंग इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए, 3 एंटी बॉन्डिंग इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। अब हमें पता है भाई नाइट्रोजन के केस में
नाइट्रोजन जो एटम है इसका एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p3। तो नाइट्रोजन के p सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और हमारा जो पहला मॉलिक्यूल है वो क्या है, N2। तो इसका मतलब 3 जमा 3 हमें 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल कर सकते हैं। अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करें तो एज पर हंट्स रूल, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल एंड ऑफ बो प्रिंसिपल, हम पहले क्या करेंगे, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर इनको दो दो करेंगे और फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर देंगे। तो अगर हम देखें नाइट्रोजन के केस में, N2 के केस में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो है 0, क्लियर है। बट वही केस अगर N2 प्लस आता है, प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो इसका मतलब 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 5 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इसका मतलब जो हमारा सिग्मा 2p z के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसकी जगह क्या रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और वही हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अगर हम देखें तो 2 और 3 में से कोई हमारा ऑप्शन राइट हो सकता है। पहले में और चौथे में ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा कि N2 0 आ रहा हो और N2+1 आ रहा हो। नाउ वी आर मूव टू द O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है, पहले सिग्मा 2p z फिल होता है, फिर पाई 2p x फिल होता है, फिर पाई 2p y फिल होता है, फिर आता है पाई 2p x, पाई 2p y और सिग्मा 2p z। ये ऊपर के जो 3 हैं ये एंटी बॉन्डिंग है और नीचे वाले 3 के बॉन्डिंग। तो शॉर्टकट मेथड अपनाते टाइम हम लिखते हैं बी 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 ए ए ए ऑक्स। ये ए हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग, और बी क्या इंडिकेट कर रहा है, बॉन्डिंग। तो आपको पता है भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, ठीक है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब O2 में क्या होगा, 4+4 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। अब हम 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 2, 2, 2, 1 और 1। तो इसका मतलब O2 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 2। तो भाई 2 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या रहेगा, राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या रहेगा हमारा, राइट। सिमिलरली जब हमारा O2 O2+ में कन्वर्ट होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 1, क्लियर है। तो अब हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है कि भाई N2 के केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, N2+ के केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, O2 के केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 और O2+ के केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। तो ये जो सीक्वेंस ऑब्टेन हो रहा है ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या रहेगा, राइट रहेगा। इज दैट पॉइंट। सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 19, द मेटल विच इज एक्सट्रैक्टेड बाय ऑक्सीडेशन एंड सब्सिक्वेंट रिडक्शन फ्रॉम इट्स ओर इज, कौन कौन से हैं, सिल्वर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 आयरन, ऑप्शन 3 कॉपर, ऑप्शन 4 एल्यूमिनियम। तो भाई जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो इन चारों ऑप्शन में से जो सिल्वर है उस मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, देखिए जब Ag की रिएक्शन CN से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, 4 ऑफ Ag, 8 ऑफ CN। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है
और ट्वाइस ऑफ H2O तो प्रोडक्ट बनता है हमें 4AgCN की होल ट्वाइस माइनस बाय द रिलीज ऑफ 4OH-। यहाँ पे जो सिल्वर है वो अपनी एलिमेंटल स्टेट पे है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। वहीं पे सिल्वर यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जहाँ पे अगर हम इसमें सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप में जो सिल्वर है वो जीरो से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे गई है, इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। सेकंड स्टेप में क्या होता है, देखिए जो हमारा कॉम्प्लेक्स आया ट्वाइस ऑफ एजी सी एन की होल ट्वाइस माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल इट विल फॉर्म ट्वाइस ऑफ एजी प्लस जेड एन सी एन 4 2-। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो सिल्वर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो चेंज हो रही है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कन्वर्ट हो रही है किसमें, जीरो पे। तो यहाँ पर जो सिल्वर है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि सिल्वर एक मेटल है जो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है ड्यूरिंग इन दिस प्रोसेस। तो हम क्या कहते हैं, ये दिस इज अ साइनाइड प्रोसेस। ठीक है, और इसको मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस भी बोलते हैं, जिससे सिल्वर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, फ्रॉम इम्प्योर सिल्वर से। ठीक है ना, तो प्योर सिल्वर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, हमारा राइट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, साइनाइड प्रोसेस भी बोलते हैं। इज दैट पॉइंट क्लियर? सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकेंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023 क्वेश्चन नंबर 20। चूज द करेक्ट कलर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें रिएक्शन में क्या दिया है, ये जो हमारा कंपाउंड है इसको रिएक्शन करने के लिए बोला है 1-नेफ्थाइल अमीन के साथ। तो यहाँ पे पूछा गया कलर इसका क्या आएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम ये जो हमें रिएक्टेंट दे रखा है, दैट रिएक्टेंट क्या है, ये जो अजाइड ग्रुप है इसके साथ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री ग्रुप अटैच है, नीचे एस ओ थ्री एच अटैच है, इसकी रिएक्शन किससे कराई जा रही है, 1-नेफ्थाइल अमीन। तो 1-नेफ्थाइल अमीन क्या है, ये हमारे पास नेफ्थाइल बनाएंगे पहले, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन की फर्स्ट पोजीशन पर हम क्या बनाएंगे, अमीन ग्रुप ऐड करेंगे। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे अमीन ग्रुप को ऐड कर दिया। अब होगा क्या कि ये जो अमीन ग्रुप है इसका जो ई वाला एच है इसको यहां से क्लीव करेगा, तो यहां से जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो निकलेगा CH3COOH निकलेगा, और जो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट निकलेगा, दैट मेजर प्रोडक्ट इज कि भाई ये हमने हमारा क्या है, नेफ्थाइल ग्रुप है, दिस इज नेफ्थाइल ग्रुप, नेफ्थलीन के ऊपर NH2 ग्रुप, और ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रहेगा किसका, इस अजाइड लिंकेज का, यहाँ पे आएगा N डबल बॉन्ड N अजाइड लिंकेज। अजाइड लिंकेज के बाद क्या आएगा, यहाँ पे बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे SO3H ग्रुप, इसका कलर जो रहता है वो रहता है रेड। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 2 है
वो हमारा सही रहेगा, इट गेव रेड कलर, कौन सा कलर देगा, रेड, इज दैट पॉइंट क्लियर? सेक्शन बी जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 21 है इसमें। फॉलोइंग फिगर शोज स्पेक्ट्रम ऑफ एन आइडियल ब्लैक बॉडी एट फोर डिफरेंट टेम्परेचर। द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज, भाई आपको पता है व्हाट इज ब्लैक बॉडी? एनी बॉडी इज सेट टू बी अ ब्लैक बॉडी इफ इट इज अ परफेक्ट एमिटर एंड एब्जॉर्बर ऑफ ऑल काइंड ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो जब हम देखते हैं कि कोई भी ब्लैक बॉडी वेवलेंथ एब्जॉर्ब या रिलीज कर रही है, तो टोटली हम देख रहे हैं कि भाई जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही होती है, और वेवलेंथ क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। क्लियर है? तो अगर हम इन चारों पार्ट्स में से देखें, चारों ऑप्शंस में से, तो जो ग्राफ है इसमें, ये T4 का सबसे क्या होगा, फ्लैटेंड होगा, और T1 का सबसे ज्यादा पीक वाला होगा। मतलब यहाँ पे जो पीक शो कर रही है वो T1 पे दिखाई देगी, और फ्लैटेंड किस पे दिखेगा, T4 पे। तो इसका मतलब क्या, T4 क्या होगा मैक्सिमम टेम्परेचर और T1 क्या होगा मिनिमम टेम्परेचर। तो ये बिल्कुल सही है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेवलेंथ क्या होती जाएगी, यहाँ पे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है ना? अगर वेवलेंथ डिक्रीज होती जाएगी तो आप क्या देखते जा रहे हैं भैया, पे द पीक ऑफ स्पेक्ट्रम शिफ्टेड शॉर्टर वेवलेंथ एज टेम्परेचर इज इंक्रीजेस। मतलब क्या है, पार्ट ए और पार्ट सी इसमें करेक्ट है, बाकी बी और डी करेक्ट नहीं है। तो इसमें सिर्फ दो स्टेटमेंट राइट हैं। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितनी है, दो। आपको पता है ना सेक्शन बी में न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है ना? तो नाउ वी आर मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन बी जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023 का पेपर है, पिछले साल का, और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं 22वां क्वेश्चन। द नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर यूज टू एक्सप्रेस कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग इज, तो ये क्या है, इस पेपर का सबसे सिंपलेस्ट और इजी क्वेश्चन था। तो आपको पता है जब हम प्रॉब्लम ऑफ मोल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द सॉल्यूशन पढ़ते हैं सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं मास परसेंटेज हम वहाँ पे यूज करते हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, मोल फ्रैक्शन यूज करते हैं, मोल को नहीं यूज करते, मोलैरिटी यूज करते हैं, पीपीएम यूज करते हैं, मोलैलिटी यूज करते हैं। तो इन छह स्टेटमेंट में से हम क्या कर रहे हैं, पांच यूनिट यूज कर रहे हैं एज अ एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन। तो ये छह यूनिट्स में से पांच हमारी यूनिट्स यूज हो रही हैं। तो आपको पता है ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर क्या रहेगा, 5 रहेगा। सेक्शन बी जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023 का पेपर है हमारे पास, और ये 23rd क्वेश्चन है। यहाँ पे द नंबर ऑफ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स विच आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिक्स ऑप्शन इज, तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्टरिस्टिक है फिजिक्स ऑप्शन का। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट ए को देखते हैं, इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। तो पता है आपको हाईली स्पेसिफिक क्या होता है, केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है ना कि फिजिकल। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई, तो आपको पता है एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन फिजियोस ऑप्शन में लो होता है ना कि हाई। तो इसका मतलब ये भी केस किसका है, केमिकल एड्सॉर्प्शन का है। ठीक है? थर्ड स्टेटमेंट देख रहे हैं हम, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट थर्ड है वो हमारी फिजियोस ऑप्शन से बिलोंग कर रही है। नेक्स्ट है इट रिजल्ट्स इन यूनिमोलिकुलर लेयर। आपको पता है फिजियोस ऑप्शन में मल्टी लेयर बनती है ना कि यूनि लेयर। तो ये क्या हमारा है, कीमोस ऑप्शन का क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट है। ठीक है? सिमिलरली स्टेटमेंट ई की बात करें, नो एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। तो आपको पता है फिजियोस ऑप्शन में कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत
नहीं पड़ती है, तो दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ फिजियोसॉप्शन। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर सी और स्टेटमेंट नंबर ई ही फिजियोस ऑप्शन से बिलोंग कर रही है, बाकी तीन स्टेटमेंट केमिकल्स ऑप्शन से बिलोंग कर रही है, क्यूमोस ऑप्शन से। तो इसका मतलब ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, टू आएगा, तो ध्यान रखिए। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, सेक्शन बी, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, 24 जनवरी 2023 का पेपर है हमारे पास, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। द सम ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड पायरो सल्फ्यूरिक एसिड इज, तो आपको याद आ रहा होगा ये ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2S2O8। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे परोक्साइड लिंकेज आएगा, यहाँ पे आएगा S डबल बॉन्ड O, OH और डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ 1, 2, 3 और 4। तो आपको पता है जब ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक क्या है, पाई। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे जो पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में, वो कितने होंगे, 4 होंगे। दूसरा हमारा जो जो यहाँ पे एसिड आ रहा है वो है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है H2S2O7 है, इसका भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज H2S2O7 का। तो हमने लिखा सबसे पहले S O डबल बॉन्ड O OH O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 4 यहाँ पे पाई बॉन्ड ऑक्सीजन है सल्फर के साथ, तो इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, एक सिग्मा और एक पाई है, तो यहाँ पे क्या है, एक पाई यहाँ पे, एक पाई यहाँ, 2 और 3 और 1 4, तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड कितने हैं, 4। तो पाई बॉन्ड का अगर हम सम देखें तो कितना आएगा, 4 प्लस 4 8 पाई बॉन्ड यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा न्यूमेरिकल आंसर होगा वो 8 होगा इस वाले क्वेश्चन में। इज दैट पॉइंट क्लियर सभी को। नाउ वी आर मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज सेक्शन बी, जेई मेन्स 2023 जनवरी अटेम्प्ट, सेकेंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023 का पेपर है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, इफ द पीकेए ऑफ लैक्टिक एसिड इज 5, देन द पीएच ऑफ 0.005 मोलर कैल्शियम लैक्टेट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, जहां पे हमें जो आंसर एक्सप्रेस करना है 10^-1 में एक्सप्रेस करना है विद नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये हमें यहाँ पे लैक्टिक एसिड का क्या दे रखा है, स्ट्रक्चर दे रखा है, और आपको पता है यहाँ से क्लीवेज होगी, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या होगा, प्लस। तो ये जो होगा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा कैल्शियम के साथ, तो हम इसको सिंपल लिख देते हैं कैल्शियम लैक्टेट, भाई लैक्टेट आयन की जो वैलेंसी है वो -1 है और कैल्शियम की 2 होती है, तो लैक्टेट की होल ट्वाइस आएगा यहाँ पे। और इसकी जब आयनाइजेशन होगा तो आयनाइजेशन होते टाइम हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट वी विल ऑब्जर्व ड्यूरिंग आयनाइजेशन, कि जो हमारा कैल्शियम आयन है और लैक्टेट आयन प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब जो लैक्टेट आयन है वो ट्वाइस प्रोड्यूस होंगे, भाई सॉल्यूशन के अंदर जो कैल्शियम लैक्टेट की कंसंट्रेशन दे रखी है वो 0.05 दे रखी है, जिसको हम लिख सकते हैं 5 × 10^-3। तो इसका मतलब कैल्शियम लैक्टेट की वैल्यू है 5 × 10^-3, कैल्शियम आयन की वैल्यू है 5 × 10^-3, और लैक्टेट की हो सकती है 5 × 10^-3 × 2, दैट इज 10^-2, कितनी वैल्यू है, 10^-2। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, क्योंकि आपको पता है लैक्टिक एसिड क्या है, इट इज अ वीक एसिड। तो यहाँ पे जो हमारा पीएच निकलेगा उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, पीएच इज इक्वल टू 7 + 1/2 पी के ए प्लस 1/2 log C।
ये फॉर्मूला आएगा, तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी, 7 + 1/2 पी के ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, यहाँ पे 5 दे रखी है पी के ए की वैल्यू, प्लस 1/2 इंटू लॉग 10^-2। तो आपको पता है लॉग की वैल्यू अगर 10^-2 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। 7 + 1/2 (5) +1/2 और -2 क्या आएगी, log 10^-2 की वैल्यू। तो 2 से 2 गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 7 + 2.5 - 1, तो वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 8.5। अगर मैं 8.5 को 10^-1 में एक्सप्रेस करता हूँ तो वैल्यू आती है 85 × 10^-1। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर लिखा जाएगा वो क्या होगा, 85 होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? क्लियर है, ज्यादा फास्ट तो नहीं था ना। नाउ सेक्शन बी, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट, 24 जनवरी 2023 का पेपर है, 26वां क्वेश्चन है। द टोटल प्रेशर ऑब्जर्व बाय मिक्सिंग टू लिक्विड्स ए एंड बी इज 350 mm ऑफ Hg व्हेन देयर मोल फ्रैक्शन आर 0.7 एंड 0.03 रिस्पेक्टिवली। तो पहले फर्स्ट फर्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट बन रही है उसको हम देख लेते हैं कि जो पी टोटल है उसकी वैल्यू दे रखी है 350 mm ऑफ मरकरी। जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू है वो कितना है, दैट इज 0.7। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू है 0.3। सिमिलरली अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं, द टोटल प्रेशर बिकम 410 mm ऑफ Hg इफ द मोल फ्रैक्शन आर चेंज फ्रॉम 0.2 to 0.2 एंड 0.8 रिस्पेक्टिवली फॉर ए एंड बी। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए हमें कैलकुलेट करना है इन mm ऑफ Hg नियरेस्ट इंटीजर तक एंड कंसीडर द लिक्विड सॉल्यूशन बिहेव आइडियली, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये फॉलो करेंगे राउल्ट्स लॉ। तो यहाँ पे जो पी टोटल की वैल्यू आएगी वो कितनी है, पी टोटल की वैल्यू, टोटल की वैल्यू 410 mm ऑफ Hg, जहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू आएगी 0.2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू आएगी वो 0.8 आएगी, ठीक है। तो हम क्या करें, सबसे पहले इक्वेशन बनानी स्टार्ट करें। तो फर्स्ट अगर हम इक्वेशन यहाँ पे बना रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमें पता है भी यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नॉट प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। जो पी टोटल की वैल्यू है वो कितनी है, 350, ठीक है। यहाँ पे हमने पी नॉट ए की वैल्यू कितनी लिख, कोई पता नहीं हमें, पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू पता है, दैट इज 0.7 है, प्लस 0.3 पी नॉट ऑफ बी, ठीक है। अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाएं अपॉन में 10 लगे, डेसिमल हटाएं अपॉन में 10 लगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 3507 पी नॉट ए प्लस थ्राइस ऑफ पी नॉट बी, ये वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। तो अगर हम सेकेंड केस की बात करें, सेकेंड केस, तो सेकेंड केस में 410 क्या वैल्यू आएगी, 0.2 पी नॉट ए प्लस 0.8 पी नॉट बी, डेसिमल हटाएंगे 10, डेसिमल हटाएंगे तो 10, तो वैल्यू आएगी 4100 2 पी नॉट ए प्लस 8 पी नॉट बी, ये वैल्यू आ जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। और आपको पता है भाई यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 3500 इज इक्वल टू 7 p0 a + p0 sorry thrice of p0 b, और 4100 इज इक्वल टू 2 p0 a + 8 p0 b।
अब हम क्या करें, इसमें हमें क्या है, पी नॉट ए की वैल्यू निकालने का क्वेश्चन में पूछा गया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए हमें कैलकुलेट करना है, तो बी को निगलेक्ट करना है, तो इस वाली इक्वेशन को हम कितने से करें, 8 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो भाई फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी वो हो जाएगी ये वाली 3500 वाली, इट विल बिकम 28,000 इज इक्वल टू 56 पी नॉट ए प्लस 24 पी नॉट बी। वहीं पे 4100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,300 इज इक्वल टू 6 पी नॉट ए प्लस 24 पी नॉट बी। ठीक है, अब सब्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा माइनस, तो -24 पी नॉट बी से +24 पी नॉट गया, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे 56 है, तो कितनी वैल्यू बची, दैट इज 50 पी नॉट ऑफ ए। यहाँ पे जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 00, 00, 10 में से 3 गए 7, ठीक है, 7 में से 2 गए 5, 1, ये वैल्यू आएगी, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, तो जो पी नॉट ए है उसकी वैल्यू आएगी 1570 डिवाइडेड बाय 5, जिसको हम जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 314 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा ब्लैंक के अंदर वो 314 mm ऑफ Hg आएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? देख लो, अच्छा क्वेश्चन है ना भाई। सेक्शन बी, नाउ अनदर क्वेश्चन, सेक्शन बी जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023 का हमारे पास ये पेपर है, इसमें 27वां क्वेश्चन है, इसके बाद 3 क्वेश्चन और बाकी हैं। द नंबर ऑफ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कंप्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम पॉइंट ए इन द एंड्रूज आइसोथर्म फ्रॉम द फॉलोइंग इज। तो आपको पता है भाई पॉइंट ए पे हमारा क्या रहेगा, गैस, और यहाँ पे जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा, गैस यहाँ से लिक्विड बनना स्टार्ट होगी, यहाँ तक लिक्विड क्या हो जाएगा हमारा, बनेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें, यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करें। सबसे पहले इसमें लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन एज अ गैस अप टू पॉइंट बी, तो इसका ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है भाई, ए से लेकर बी तक जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इट विल रिमेन गैस, इट विल नॉट चेंज इन टू द लिक्विड, यहां से लिक्विड होनी स्टार्ट करेगी और यहां तक लिक्विड बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, लिक्विड और गैसियस स्टेट को एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड अपियर एट पॉइंट सी, तो बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पे हमारा क्या होगा, पॉइंट सी पे लिक्विड गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलनी हमें स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, लिक्विड एंड गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिस्ट बिटवीन बी टू सी, यही मैं पॉइंट आपसे बोल रहा था कि बी से लेकर सी तक हमारी जो लिक्विड और गैस है ये दोनों फॉर्म क्या होंगी, को एग्जिस्ट करेंगी, तो इसका मतलब ए पॉइंट भी ठीक है अभी तक, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। अब हमें लिखा है डी पॉइंट में, एज द वॉल्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम बी टू सी, तो हम देख रहे हैं कि बी टू सी अगर हम वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं द अमाउंट ऑफ लिक्विड इज ऑल्सो डिक्रीजेस, तो ये स्टेटमेंट में हमारी क्या है, बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा तो अमाउंट ऑफ लिक्विड भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो बिल्कुल टोटली सरप्राइजिंग है कि चारों की चारों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, तो भी ध्यान दें चारों स्टेटमेंट भी सही हो सकते। नाउ वी आर मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, सेक्शन बी जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023, भाई ये हमारा 28 क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 2,2,5,5 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन बाय क्लोरिनेशन इज, तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाने हैं किसके, हम 6 कार्बन ले रहे हैं पहले, 1, 2, 3, 4, ठीक है, पांच और एक 6। अब इसमें बोला सेकंड पोजीशन पे, तो
तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो हमें इसका क्या करना है, यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन करना है। मोनो मतलब एक क्लोरीन ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, तो मैं पॉसिबिलिटी देखो ये क्या है, इसको मैंने माना पॉसिबिलिटी ए ए ए ए ए ए। अगर सीएल इन ए पोजीशन पे लगता है, किसी भी एक सीएल, मैं एक सीएल की बात कर रहा हूँ, कहीं बच्चे सारी जगह लगाने की कोशिश करें और फिर बाद में कहें कि नहीं सर आप तो इनका नाम अलग अलग आ रहा है। अगर आप यहाँ सीएल लगाओगे तब भी ये वन ही आएगा, वन यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि क्लोरो डेरिवेटिव हमें मोनो बनाना है। तो ये ऑल पॉसिबिलिटीज हैं छ की छ, जहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन सकता है, ठीक है। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। तो पहली पॉसिबिलिटी हो गई, देखो यहाँ पे तो सीएल लग ही नहीं सकता, इसकी वैलेंसी ऑलरेडी चार है, अब बचे ये दो कार्बन। अगर मैं इस पोजीशन पे कोई भी क्लोरीन लगाता हूँ तो बी पोजीशन होगी, और उसका नाम क्या होगा, यहाँ से शॉर्ट पड़ेगा। और अगर इस पे लगाता हूँ तो ये भी बी पोजीशन होगी, क्योंकि यहाँ से भी नेम क्या होगा, सिमिलर। तो ये दोनों क्या है, एक तरह से आइडेंटिकल हमारे मॉलिक्यूल बन पा रहे हैं, दोनों तरफ से पोजीशन सेम आ रही है। तो इसीलिए इसमें दो पोजीशन ऐसी हैं जहां पर मोनो क्लोरो डेरिवेटिव लग सकते हैं। बट यहां पर एक और पॉइंट आ रहा है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे बी पोजीशन पर, चाहे इस वाली बी पोजीशन पर अगर सीएल लग रहा है, तो एक कायरल सेंटर बन जा रहा है। क्या बन रहा है, कायरल सेंटर। चाहे आप इसको ले लो, चाहे आप इस पोजीशन को ले लो, ठीक है। तो दोनों पोजीशन क्या है, सेम। तो इसका मतलब जो बी बी पोजीशन है वो हमारा कायरल सेंटर है। तो कायरल सेंटर में कितनी आइसोमेरिक फॉर्म होती है, टू। और ए हमारा ए कायरल पोजीशन है, तो ए हो गई पोजीशन, वहां पे क्या हो गया, आइसोमेरिक फॉर्म वन। तो टू प्लस वन टोटल कितनी आइसोमेरिक फॉर्म हो गई, थ्री, ठीक है। तो आइसोमेरिक फॉर्म कितने आ गए, थ्री। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो थ्री आइसोमेरिक फॉर्म यहाँ पे होंगे। इज दैट पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम मूव कर रहे हैं, देखिए सेक्शन बी, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023 का पेपर है हमारे पास, ठीक है। टोटल क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 29। तो इसमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ ट्राई पेप्टाइड पॉसिबल बाय मिक्सिंग ऑफ वैलिन एंड प्रोलिन इज। अब आपको पता है भाई यहाँ पे नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने हैं, अमीनो एसिड्स इन नंबर, तो कितने हैं भैया, टू है। और बनाने क्या है यहाँ पे, ट्राई पेप्टाइड। जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने, टू, और ट्राइपेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन बनता है, तीन का, ठीक है। तो टू की पावर थ्री कर दी, तो टू की पावर थ्री का मतलब क्या है, टू इंटू टू इंटू टू, दो दुनी चार दुनी आठ, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, एट। तो दिस इज अगेन अ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे कितने आएंगे, आठ। इज दैट पॉइंट क्लियर, इज दैट पॉइंट क्लियर। सेक्शन बी, जे मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023 का हमारे पास ये पेपर है, जिसमें हम 30th क्वेश्चन की बात करें। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस इज सब्जेक्टेड टू चेंजेस एज शोन इन द ग्राफ। तो हमें ग्राफ दे रखा है, दैट इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम इज इन जूल। नियरेस्ट इंटीजर में हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्लियर है। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले इस ग्राफ को स्टडी करें। ये प्रेशर है 0.5 और 1, ठीक है, बार में दे रखा है, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे 20 लीटर और 40 लीटर हमारा क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 0, 20 और 40, 0.5 और 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे
किसमें? सबसे पहले हम इस ग्राफ को स्टडी करेंगे। देखो ये पॉइंट हमारा 1 है और ये 2 है, तो जब हम 1 से 2 जा रहे हैं तो हमने बोला वर्क डन 1 to 2, तो वर्क डन 1 to 2 जो है वो हमारा है आइसो बैरिक। क्यों मैंने बोला आइसो बैरिक? क्योंकि प्रेशर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। जब हम 0.2 से 0.3 आ रहे हैं तो इसको मैंने बोला वर्क डन 2 to 3, और यहाँ पे जो पोजीशन है वो है आइसो कोरिक। क्लियर है? अब ये 0.3 से 0.1 पे अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर और वॉल्यूम क्या रह रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि प्रोसेस हमें आइसोथर्मल बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा क्या रहेगा, प्रोसेस में यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, तो प्रोसेस क्या रहेगा हमारा, ये आइसो थर्मल रहेगा। तो हमने क्या कहा, ग्राफ भी हमें दिख रहा है देखो ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा वर्क डन रहेगा वो 3 to 1 क्या रहेगा, दैट इज आइसो थर्मल रहने वाला है। क्लियर है? तो अब सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि जो हमारा वर्क डन 1 से 2 है तो वो क्या आइसोबैरिक, ठीक है, जहां पे प्रेशर क्या रहेगा कांस्टेंट। आपको पता है वर्क डन क्या होता है, व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन आपको पता है -P delta V होता है, तो हमने भी लिखा है यहाँ पे -P delta V, दैट इज -P V2 -V1। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या होगा V1 पोजीशन, और ये क्या होगी V2 पोजीशन। V1 पे वॉल्यूम कितना रहा है 20, और V2 पे कितना रहा है 40। प्रेशर कितना है यहाँ पे 1, तो हमने लिखा -1 into 40 -20, तो वैल्यू आ रही है -20। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट वर्क डन 2 to 3 ले रहे हैं, 2 to 3 दैट इज आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में आपको पता है इन आइसोकोरिक प्रोसेस delta V = 0, तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -P delta V और delta V की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है, तो W2 to 3 क्या हो रहा है हमारा, 0 आ रहा है। ठीक है, नाउ वी आर वर्किंग ऑन थर्ड वर्क डन 3 to 1, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे आइसोथर्मल का, दैट इज -2.303 nRT log V2/V1। ठीक है, अब आपको पता है जब 3 से 1 जा रहे हो तो 40 जो है दैट इज एक्ट एज अ V1 एंड 20 इज एक्ट एज अ V2। ठीक है, आपको पता है आइडियल इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज आइडियल इक्वेशन, PV = nRT, तो यहाँ पे nRT की जगह हमें PV लिख सकता हूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पे -2.303, फिर यहाँ पे क्या आएगा RT की जगह क्या ले लिख दिया मैंने, PV log V2/V1। ठीक है, और इलेबरेट कर रहे हैं, -2.303, P कितना है 1। ठीक है, और यहाँ पे V कितना आ रहा है 20, फाइनल वॉल्यूम कितना आ रहा है 20 into 20 log V2 कितना है 20, V1 कितना है 40। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो 0 से 0 1/2, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, दैट इज -2.303 into 20 into log 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2.303 into 20 log 1 - log 2। आपको पता है log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010 माइनस में, तो -2.303 into 20 into -0.3010, तो नेट वैल्यू आएगी यहाँ पे +2.303 20 into 0.3। जो हम इसको कैलकुलेट करते हैं
0.3010 पूरा ही ले लेते हैं, है ना। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 13.818। क्लियर है। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है वो किस टर्म में आ रही है, लीटर बार में, ठीक है। अब हम क्या करें, जो W टोटल है, वर्कडन टोटल कितना होगा भाई, पहला वर्कडन W1 से 2, दूसरा वर्कडन W2 to 3, तीसरा वर्कडन W3 to 1, तो कितनी वैल्यू आएगी, -20 + 0 + 13.818, तो वैल्यू आएगी नेट -6.182। क्लियर है। अब जो हमारे यहाँ पे जो लीटर बार यहाँ पे आ रहा है, इसको हमें आंसर तो जूल में देना है, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 101.325 से। तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास, दैट इज -626.39। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, -626.39, ठीक है, जूल। क्लियर है। तो ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहने वाला है। इज दैट पॉइंट क्लियर, ठीक है। स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट, ओके।